हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS फ्रांस T10 2024 की सीरीज चल रही है, इसके 57वें मैच के बारे में। ठीक है, यह क्वालिफायर वन मैच होगा और इसमें से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में खेलेगी डायरेक्ट्स के साथ। ठीक है, तो हम वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए, कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम वीक है, कौन सी टीमों के कौन कौन से प्लेयर लेने हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। टीमें हैं पेरिस यूनिवर्सिटी क्लब वर्सेस बालबनीस। ठीक है, दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा यह मैच। मैच खेला जाएगा 3 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा। डेट 26 अप्रैल 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। अभी तक इस टूर्नामेंट में बारिश नहीं हुई है तो आज भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। वेन्यू देखें तो डायरेक्ट स्पोर्ट क्रिकेट क्लब डायरेक्ट में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। ठीक है, और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखें तो 140 से लेके 150 का स्कोर बनता है इस वेन्यू पर। और वेन्यू रिकॉर्ड देखें सीजन में तो 55 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 33 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 22 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, यानी बैटिंग फर्स्ट वाली को इस वेन्यू पर एडवांटेज है। और जो पहली टीम है पेरिस यूनिवर्सिटी क्लब, वो इस मैच में फेवरेट है क्योंकि 10 में से 9 मैच जीती है, और जो दूसरी जो टीम है बालबनीस की, उसने 10 में से मात्र 4 मैच जीते हैं। तो पेरिस यूनिवर्सिटी की टीम मजबूत है और बेहतरीन प्लेयरों की इसमें खूब सारे बेहतरीन प्लेयर है, ऑलराउंडर अच्छे हैं, इसीलिए आपको इसके फेवर में टीम बनानी है। साथ ही वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करें ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जावे, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है और ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया मैच साबित हो सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं पेरिस यूनिवर्सिटी क्लब की, जिसने 10 मैच खेले हैं, 9 मैच जीती और 1 मैच मात्र हारी है, और लास्ट मैच जो खेला गया था उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है उस्मान साइद, जिसने इस टूर्नामेंट के 10 मैच में 252 रन बनाए, 25 की एवरेज से 13 ओवरों की गेंदबाजी करवाई, 9 विकेट लिए। पिछले 6-7 मैचों में देखा तो कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी करवा रहा है और अच्छी गेंदबाजी करवा रहा है, तो आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है। और इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बहुत बढ़िया चॉइस है, सिलेक्शन देखे तो 81% इसका सिलेक्शन है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप इसको आसानी से बना सकते हो क्योंकि ओपनिंग कर रहा है, साथ ही 2 ओवरों की गेंदबाजी इंपॉर्टेंट करवा रहा है। इसके बाद है जफर इकबाल, जिसने इस टूर्नामेंट के जो रिसेंट फॉर्म लिखी है वो इसी टूर्नामेंट की है। इस टूर्नामेंट के 10 मैच में 233 रन बनाए, 23 की एवरेज से 15 ओवर की गेंदबाजी करी, 10 विकेट लिए, यानी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। और पिछले 2-3 मैचों से इसका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, लेकिन आज के मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप इन दोनों ओपनरों को भी दे सकते हो। ठीक है, इस टीम की तरफ से जब इनों की टीम चेजिंग करे तो आप दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो और सामने वाली टीम के ओपनरों को ड्रॉप कर सकते हो। इसके बाद है मुख्तार अली गुलमई, जिसने 10 मैच में 151 रन बनाए, 15 की एवरेज से। ज़्यादातर मैचों में फ्लॉप होता है, किसी ना किसी मैच में एक अच्छी पारी खेल लेता है, इसलिए इसका सिलेक्शन ज़्यादातर मैचों में हाई देखने को मिलेगा। अभी भी आप सिलेक्शन देखोगे तो 53% इसका सिलेक्शन है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर है और सामने वीक टीम है तो इंपॉर्टेंट है, कभी भी अच्छी खासी पारी खेल सकता है। ठीक है, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, 33 मैच में 539 रन है, 21 की एवरेज से 8 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 2 विकेट लिए। एक मस्पिक प्लेयर है और अच्छा खासा फॉर्म है इसके पास, अभी फिलहाल 2-3 मैचों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो एक ट्राई कर सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बाद है जीका अली, जिसने 10 मैच में 134 रन बनाया, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए, बॉलिंग बहुत कम करवा रहा है, बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो आप जीका अली और मुख्तार अली गुलमई में से किसी एक प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, लोग जीका अली के साथ जा रहे हैं लेकिन आप मुख्तार अली को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है ये भी। जीका अली का 86% सिलेक्शन है, मुख्तार का 53 है। ठीक है, इसके बाद है तसीन उल्ला सैफी, जिसने 10 मैच में 184 रन बनाए, लगभग 18 की एवरेज से 19 ओवर की गेंदबाजी करी है और 11 विकेट लिए। ठीक है, इधर 11 विकेट है ना कि एक विकेट है, ये इधर 11 विकेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस करी है इसने और अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आपको बैटिंग से भी और 2 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी देगा इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का, यह भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। ठीक है, सिलेक्शन भी देखें तो 89% इसका सिलेक्शन है और सामने वीक टीम में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है, इसके बाद है अब्दुल्ला अनवारी, जिसने इस टूर्नामेंट के 10 मैच में 71 रन बनाए, 17 ओवर की गेंदबाजी करी, 11 विकेट लिए, यानी आपको 2 ओवरों की कंपलसरी गेंदबाजी दे रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर अच्छी खासी बैटिंग भी करके दे सकता है। सिलेक्शन भी देखें तो सिलेक्शन भी इसका 61% है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है आपको, जरूर इसको सेलेक्ट करना है और सामने वैसे भी वीक टीम है तो आसानी से गुच्छे में विकेट भी ले जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है विलियम सिंह, जिसने 10 मैच में 56 रन बनाए, 16 ओवर की गेंदबाजी करी है, 13 विकेट लिए, 2 ओवरों की कंपलसरी बॉलिंग करवा रहा है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन भी देखें तो 87% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है वसीम भाटी, जिसने 10 मैच में मात्र 55 रन बनाए, विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा, बैटिंग पोजीशन खूब नीचे रहती है इसकी, लेकिन विकेट कीपिंग के अच्छे खासे पॉइंट दिला देता है। तो वैसे भी अपने को विकेट कीपर सेक्शन से आप KG वित्तू को ट्राई करना है क्योंकि पिछले 2 मैचों से अच्छी परफॉर्मेंस करी है और विकेट कीपिंग के पॉइंट यह भी आपको प्रोवाइड करवाएगा, तो अपन KG वित्तू को ही लेंगे विकेट कीपर से वसीम भाटी को ड्रॉप करके। इसके बाद है साबिर हरस, जिसने 9 मैच में मात्र 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 1 विकेट लिया है, बॉलिंग नहीं करवा रहा बिल्कुल भी, इसलिए इसको ट्राई नहीं करना है। उसके बाद है साजाद मंसूर,
जिसने एक ही मैच खेला इस टूर्नामेंट में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। इसके बाद है मारविस दौलत जाई, जिसने 8 मैच में 4 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, विकेट लेस गया, बॉलिंग और बैटिंग कुछ नहीं कर रहा, तो दोनों को ट्राई नहीं करना है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर थे सभी को अपन ने ट्राई कर लिया, ठीक है। एक प्लेयर बच रहा है इसमें खाली, आप देखो तो इसमें से और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं रहा है, एक बच रहा है खाली जीका अली। तो जीका अली को भी आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, जब इस टीम की पहले बल्लेबाजी हो, चेजिंग हो तो अपन इसको ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। बल्लेबाजी में आप जीका अली को ट्राई कर लेना, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम की। बात करने से पहले बेंच पर से कोई भी खेलेगा तो उसके स्टेट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं बालबनीस की, जिसने 10 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में, 4 जीती है, 5 मैच इनकी टीम हारी है, 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा है। तो लास्ट मैच जो खेला गया था उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो पहला प्लेयर है कोमलन थीवालिंगम, जिसने 7 मैच में 222 रन बनाए, 31 की एवरेज से 3 ओवर की गेंदबाजी करी है, 2 विकेट लिए, लेकिन एक अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है इस मैच में। और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिलेक्शन भी देखे तो सिलेक्शन 76% है, ठीक है। भले ही मैच कम खेले इस टूर्नामेंट में, 7 मैच खेले हैं, लेकिन एक अच्छी परफॉर्मेंस करी है इसमें, जितने भी मौका मिला है इसको, और इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद है सेथेन स्वामी जेथुन, जिसने 10 मैच में 171 रन बनाए, 17 की एवरेज से। इसको आप खाली ग्रैंड लीग में ट्राई करना, हेड टू हेड में आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जब इसकी टीम के अगर पहले चेजिंग हो तो अपन ट्राई नहीं, पहले बैटिंग हो तो अपन ट्राई करेंगे, अगर फील्डिंग होगी तो अपन इसको ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि सामने अच्छी गेंदबाजी आएगी, और अगर आप वैसे भी अपन कैप्टन उस्मान साइद और जफर इकबाल को बनाएंगे तो ओपनर को लेने की गलती मत करना। अगर आप इसको लेते हो तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों ओपनरों को मत बनाना, तसीनुल्ला सैफी को आप बना सकते हो, ठीक है। एक किसी को भी ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो, दोनों को एक साथ मत देना अगर आप एस जैतून को ट्राई करते हो तो, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन ड्रॉप करते हैं। इसके बाद है सेंदिल थेमी बुरे, जिसने 4 मैच में मात्र 26 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी है, विकेट लेस गया है, बॉलिंग बैटिंग कुछ खास नहीं है। इसके बाद है गणेशन, 5 मैच में मात्र 10 रन बनाए, इसका भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इसके बाद है केजी वित्तू, जिसने 10 मैच में 107 रन बनाए, 10 की एवरेज से, खाली विकेट कीपिंग सेक्शन से, यही एक मस्ट प्लेयर है तो अपन ने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद है मनोहरन थायापरन, जिसने 10 मैच में 64 रन बनाए, 19 ओवर की गेंदबाजी करी है, 15 विकेट लिए, यह आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से शानदार परफॉर्मेंस करके दे सकता है, और सिलेक्शन भी देखे तो 94% है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप इसको भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद है संजीवन कुमारन, जिसने 10 मैच में 87 रन बनाए, 17 ओवर की गेंदबाजी करी, 7 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा है, विकेट कम मिल रहा है, लेकिन बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है मौका मिलने पर, और आज इसकी बैटिंग आने की पूरी उम्मीद है कि बैटिंग आएगी और अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिलेक्शन भी देखे तो 50% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है मोहम्मद बरकजाई, जिसने 10 मैच में 122 रन बनाए, 12 ओवर की गेंदबाजी करवाई, 6 विकेट लिए, बॉलिंग थोड़ी कम मिल रही है लेकिन बल्लेबाजी बहुत शानदार कर रहा है, और वैसे भी इसकी भी बैटिंग आने की उम्मीद कन्फर्म है, इसकी बैटिंग आएगी तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 79% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इसके बाद है शिवा बाल सुधरनम दयानंद, जिसने 5 मैच में मात्र 11 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी है, बैटिंग कर रहा है और बैटिंग पोजीशन खूब नीचे है। उसके बाद है पृथ्वी, 7 मैच में 8 ओवर, 4 विकेट, इसका भी कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद है रामा अनुजम, जिसने 4 मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी करी है, 3 विकेट लिए, तो उसका भी कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है, इसको भी अपन ड्रॉप करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को ले लिया। बेंच की बात करें, बेंच पर से कोई भी प्लेयर खेलता है तो उसके स्टैट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। बात करते हैं टीम की, तो टीम में सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर अपन ने सेलेक्ट कर लिए, एक खाली आपको ड्रॉप कर सकते हो, आप मुख्तार गुलमई की जगह आप जीका अली को ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको दोनों प्लेयरों को लेना है तो यहाँ से आप अब्दुल्ला अनवारी पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एस कामरान पर रिस्क मत लेना, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करेंगे। जो भी 4 प्लेयर लिए अपन ने BBY के, वो चारों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। इस मैच में कैप्टनसी के खूब सारे दावेदार हैं, ठीक है। जफर इकबाल है, तसीनुल्ला सैफी है, उस्मान साइद है, मनोहरन है। इसके अलावा आप के दिवालिंगम को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैन बॉलरों के विकेट गिराने के चांस कम है, तो इसको बॉलिंग मिल सकती है आज के मैच में, ठीक है। तो ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन यहाँ से उस्मान साइद को बना रहे थे, क्योंकि पिछले 2 मैचों में अच्छी खासी पारी खेली और रिसेंट फॉर्म बहुत बढ़िया चल रही है इसकी, तो इसको कैप्टन बनाए तो वाइस कैप्टन अपन तसीनुल्ला सैफी को बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए, और इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी, बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट, और जो हमारी फाइनल टीम होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी है। धन्यवाद।